विधानसभा बजट सत्र में गुरुवार को शराब मामले पर सदन का माहौल गर्मा गया। विधायक गुलाब कमरो और विनय जायसवाल ने शराब के अवैध कारोबार को बंद करवाने की मांग की है। भाजपा के विधायकों ने इस मामले में हंगामा किया। जवाब में मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि एक क्लब संचालित है, उस क्लब के खिलाफ 3 शिकायत प्राप्त हुई है। जाँच की जाने पर 2 की पुष्टि नहीं हुई है और 1 सही पाई गई है, इसकी जाँच की जा रही है। कुछ जो हमारे शहर में, हमारे जो क्षेत्र में कुछ जो ढाबे वाले हैं, होटल वाले हैं, जो इस तरह के क्रियाकलाप में लिप्त रहते हैं, एक का तो मैंने नाम भी बताया, सुचित्रा दास करके, वो यहाँ तक बोल रही हैं कि अन्य जगहों पे जब दारू नहीं बिकेगा मध्य प्रदेश का तो मैं भी नहीं बेचूंगी। तो ये बहुत चिंताजनक बात है और इसलिए माननीय मंत्री जी को संज्ञान में लाया इस बात को और उसके ऊपर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। आप 2 दिन पहले आप देखें कि लगातार विधायक, चाहे DF के मामला को लेकर के हो, नियुक्ति के मामला को लेकर के हो, हम लोग जिस बात को उठाते हैं, आज सत्ता पक्ष के विधायक उस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि ये जो सरकार है अनैतिक कृत्य में लगी हुई है, गैर कानूनी कार्य कर रहे हैं, अवैध कार्य कर रहे हैं और उसका संरक्षण इस प्रदेश के मुखिया और मंत्री सब कर रहे हैं, ये सरकार की स्थिति बन गई है।